किसान भाइयों नमस्कार। सरसों की फसल में आज यूरिया डाल रहे हैं और इस खेत में जिंक की कमी है। मिट्टी टेस्टिंग में पाया गया कि इस खेत में जिंक की कमी है, पोटाश की कमी है, थोड़ी बहुत सल्फर की भी कमी है। हाँ, पोटाश की इतनी ज़्यादा कमी नहीं है, लाइटली है, लेकिन हम इसमें खेत में ट्रायल कर रहे हैं, कुछ खेत को छोड़ेंगे भी। इसमें 11 का जिंक जो यूरिया के ऊपर कोट करके डालने के लिए है, प्रो कोट, उसका ट्रायल लगा रहे हैं। 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और 45 kg यूरिया जाएगा और साथ में पॉलीसल्फेट एक बैग 50 किलो का। तो उसको खेत में डालने के बाद क्या रिजल्ट आते हैं वो आगे बताऊंगा, लेकिन इनमें क्या करने की क्षमता है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो के जरिए मैं सरसों की फसल भी आपको दिखा रहा हूँ। मेरे लगभग ये पूरे 2 एकड़ सरसों लगी हुई है और ये 9 नवंबर की बिजाई की हुई है। इसमें पहले थोड़ा बहुत रूढ़ी डला है, इसमें 2 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से और 1 कट्टा 2 एकड़ में, मतलब आधा कट्टा 1 एकड़ में DAP गया है, वो भी छट्टे से। और सरसों को टाटा रैली गोल्ड से सीड ट्रीटमेंट करके 1 किलो को 20 ग्राम टाटा रैली गोल्ड के पाउच को, जो उसमें मटेरियल आता है जिसमें ह्यूमिक एसिड माइकोराइजा फुलविक सीवीड होता है, उसके साथ इसको ट्रीटमेंट करके बिजाई किया गया है। लगभग 800 ग्राम इसमें सीड यूज़ किया गया है प्रति एकड़ के हिसाब से। थोड़ा संघना भी है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पूरे का पूरा ही सीड जर्मिनेट हो गया और ग्रोथ भी उसकी एक्सीलेंट है, लेकिन हमने पहला पानी लगाना है। इसको बिरला भी करेंगे। इसकी रूट ग्रोथमेंट आप देख सकते हैं, इसके पत्ते टिल्लर। अभी 7 दिसंबर है आज जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको 8 दिन जर्मिनेशन होने में लगे, 8 दिन में ये धरती में से ये दाना उग कर बाहर आया है, तो लगभग ये 20 दिन का हुआ है। तो 20 दिन में एक प्लांट के ऊपर 6 से 7 पत्ते, अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेम और कोई ज़्यादा बड़ा न्यूट्रिशन नहीं गया। लेकिन अब हमने दिया है, ये देखो ये यूरिया के दाने पड़े हुए हैं। यूरिया के ऊपर हमने जिंक को कोट किया और साथ में पॉलीसल्फेट डाला। जिंक का बहुत ज़्यादा बड़ा काम होता है, एक प्लांट में ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट करता है कि जिससे प्लांट की ग्रोथ भी होती है, ग्रीनरी भी मेंटेन रहती है, ब्रांचेस भी बनती हैं और जो फूड ट्रांसपोर्टेशन है वो भी स्मूथ तरीके से होती है और आगे जाके जो फ्लावर खिलेगा उसकी इम्यूनिटी बढ़िया होगी, उसमें जो नंबर ऑफ ग्रेन बनेंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी, उसमें वेट अच्छा होगा। हालांकि एक बार ही अगर जिस खेत में जिंक की कमी है, एक बार जिंक देने से काम नहीं चलता, 1-2 स्प्रे भी उसमें करनी पड़ती है। जैसे ही इसको पहला पानी लगता है, जस्ट पहले पानी के बाद, इसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले पानी के लगभग 8 से 10 दिन बाद जब इस खेत में चलने लायक हो जाएगा तो गुड़ाई करेंगे, इसकी छंटाई भी करेंगे, जहाँ ज़्यादा संघने प्लांट है उसको निकाल देंगे, विरले प्लांट रखेंगे। और जब पहली गंदल आएगी, पहला फ्लावर इसमें आना शुरू हो जाएगा, तो ऊपर से उसको तोड़ दिया जाएगा ताकि बहुत ज़्यादा इतनी ब्रांच निकाल सकता है प्लांट, वो भी निकाले, उसको स्पेस भी तो चाहिए। स्पेस हम उसको बना के देंगे, कोशिश करेंगे कि वो वाला वीडियो आपको कुछ आगे आने वाले 15-20 दिन में इस चैनल पर आपको देखने को मिले। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे पॉलीसल्फेट में उसमें 4 न्यूट्रिएंट है और जिंक भी दे दिया है, नाइट्रोजन भी दे दिया है और फास्फोरस जितना भी होगा वो ऊपर हम स्प्रे करेंगे इसके ऊपर 2-3 बार। वो सरसों को अच्छी जील्ड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये क्रॉप ऐसी होती है कि ड्यूल तरीके से आपकी हेल्प करती है। एक तो अच्छे रेट चल रहे हैं, अच्छी प्रोडक्शन आ जाती है तो आपको पैसे बनते हैं, दूसरा आपकी सोयल में ये नीमाटोड को ख़त्म करती है, दूसरा आपकी सोयल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बढ़ाती है, खाद भी बनाती है, क्योंकि इसके फसल निकलने से पहले पूरे के पूरे पत्ते हैं वो नीचे गिर जाती हैं, गल सड़ जाती हैं, वो खेत में मिक्स हो जाती है, तो उसमें आगे आने वाली फसल है जो उसके लिए काफ़ी सिक्योर हो जाता है खेत, सिक्योरिटी उसकी बढ़ जाती है, उसकी अच्छी बढ़वार होगी शुरुआत में। तो आगे आने वाले दिनों में भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए और आपको नई नई वीडियो खेती के साथ जुड़ी हुई देखने को मिलती है। धन्यवाद।